झज्जर के आजाद नगर पहुंचे कृषि मंत्री ओपी धनखड़, चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, स्कूल और सामुदायिक केंद्र का किया निरीक्षण। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहीश खान पत्रकारों से हुए रूबरू, रहीश खान ने कहा बीजेपी की मुसलमानों को लेकर सोच बहुत अच्छी, मुसलमानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिया मुझे राज्य मंत्री का दर्जा। अंबाला पहुंचे शहीद भगत सिंह के परिवार ने तोड़ी चुप्पी, जिन्ना गांधी और नेहरू को बताया देश विभाजन का जिम्मेदार, भगत सिंह के पोते का बयान, कहा हिंदुस्तान में नहीं लिया जाना चाहिए जिन्ना का नाम। जिन्ना पर दिए शहीद भगत सिंह के परिवार का स्वास्थ्य मंत्री ने किया समर्थन, विज ने कहा जो लोग हिंदुस्तान के विभाजन के हैं जिम्मेदार, उन्हें नहीं किया जा सकता माफ। में सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा भिवानी के साथ हो रहा है भेदभाव, सीएम के विदेश दौरे पर किरण का बयान, कहा सीएम विदेश में देख रहे हैं बैंगन, अगली बार बैंगन का होगा यही हाल। कोसी में ओवरब्रिज की हालत बनी खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन नहीं दे रहा इस और ध्यान। भिवानी में एक माँ की मेहनत का बच्चों ने दिखाया रंग, खेलों में तीनों बहन भाइयों ने जीते कई मेडल, बच्चों ने कहा माँ के संघर्ष से इस मुकाम तक पहुँचे। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फतेहाबाद पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाले वाहनों को किया चेक, शराब पीकर वाहन न चलाने का दिया संदेश। रेवाड़ी में डीसी से मिलने के बाद भी नहीं हटा शराब का ठेका, रिहायशी बस्ती में ठेका खुलने से महिलाओं में रोष, गुस्साई महिलाओं ने ठेके पर जड़ा ताला। राष्ट्रीय खिलाड़ी संजय वुशु को सता रही पेट भरने की चिंता, सीएम से लेकर पीएम तक लगा चुका है रोजगार की मांग, सरकार से पेट भरने के लिए मेडल बेचने की लगाई गुहार।